सिसोदिया का खेल हिली केजरीवाल की कुर्सी, सिसोदिया का सुनीता केजरीवाल पर भयंकर खुलासा, एक एक्शन से आम आदमी पार्टी में मच गया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़, मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली में आप नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं, सबको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। खबरें पहले थी कि आतिशी को कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि कयास इसलिए लगाए गए क्योंकि जेल से केजरीवाल आतिशी के लिए चिट्ठियां भेज रहे थे। इसी बीच सिसोदिया जेल से बाहर आए तो कहा गया कि सिसोदिया ही अब मुख्यमंत्री बनेंगे और केजरीवाल इस्तीफा देंगे। लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी में बड़ा धमाका हो गया जब केजरीवाल की पत्नी को लेकर सिसोदिया ने भयंकर खुलासा कर दिया। दरअसल सिसोदिया से सुनीता केजरीवाल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया कि सुनीता केजरीवाल इन दिनों एक अहम भूमिका में दिखाई दी हैं, तो ऐसे में वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगी, क्या वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनने वाली है। तो पहले तो मनीष सिसोदिया ने मुस्कुराते हुए बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो खुलासा किया उससे आम आदमी पार्टी के नेता भी हैरान हो गए, खुद सुनीता केजरीवाल भी चौंक गए, क्योंकि सिसोदिया ने छूटते ही कहा, जब मैं जेल में था तब टीवी देखकर ऐसा लगा था कि पूरी पार्टी खत्म हो गई, सभी नेता हाशिए पर हैं और बस यही लगा कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और सिर्फ उनकी शपथ बाकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भविष्यवाणी इसी तरह की जाती है, पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, ये मैं जानता था, लेकिन टीवी कुछ और ही दिखाता है। तो सिसोदिया ने इशारा दे दिया है कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगा कि अगर पार्टी हाशिए पर है, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती हैं, तो पार्टी का बिखरना तय है। अब सवाल ये भी है कि केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं, तो ऐसे में केजरीवाल को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सीएम साहब को राहत मिल नहीं रही है, कब तक जेल में रहेंगे किसी को मालूम नहीं है। अब सोचिए, जब एक मुख्यमंत्री ही जेल में है तो कैसे दिल्ली का विकास होगा। ऐसे में न सिर्फ एलजी एक्शन ले सकते हैं बल्कि केजरीवाल पर आप नेता भी इस्तीफे का दबाव बना सकते हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो आप नेता केजरीवाल से मुलाकात करने जेल पहुंच रहे हैं, वो इस बात का दबाव उन पर बना रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दे दें, क्योंकि दिल्ली की जनता कामकाज न होने पर नेताओं को खदेड़ रही है और ये बात आम आदमी पार्टी का आने वाले चुनावों में बुरा हाल कर सकती है। यही बात है कि केजरीवाल का इस्तीफा हो सकता है। अब सवाल यही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े हो सकती है, क्योंकि सिसोदिया अपना दाव लगा रही है, संजय सिंह अपने चक्कर में लगे हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज अपनी फिराक में लगे हैं। जाहिर सी बात है, जिसके पास कुर्सी गई दूसरे बगावत पर उतर जाएंगे और ये बगावत आम आदमी पार्टी का खात्मा भी कर सकती है। खैर, अब देखना यह भी होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी की कमान किसके हाथों में जाती है, क्या सिसोदिया मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर सुनीता केजरीवाल पर ही केजरीवाल दाव खेलेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।